बिहार में नौकरी के इसी विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर बिहार की एनडीए सरकार की आलोचना हो रही है। असल में ये विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए निकाला गया। इसमें 4500 सीटों के लिए बहाली होनी है, लेकिन जनरल कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। आरोप लग रहे कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा। अब ये बता रहा है कि एनडीए सरकार किस तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी को ही खत्म कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें अविलंब सुधार करना चाहिए। 4500 सीटों पर दो दिन पहले ही बहाली का विज्ञापन जारी हुआ। शनिवार से ही सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा जा रहा। जस्टिस फॉर जनरल सवर्ण विधायक कब बोलोगे, जनरल विरोधी बिहार सरकार के हैशटैग एक्स सैंडल पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे। सरकार के विरोध में टिप्पणी की जा रही है, सवर्णों को जगाने की बात कही जा रही। यह हाल तब है जब बिहार में सवर्णों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बिहार विधानसभा में 64 विधायक सवर्ण समाज से आते हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 22 सवर्ण सांसद बिहार से हैं। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपको सत्ता में लाने के लिए जिन सवर्णों ने बिल्कुल अपना खून पसीना बहाया है, आपको हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाया है, यदि आप हमारा अधिकार छीनेंगे, यदि आप हमारा वजूद मिटाने का प्रयास करेंगे, हम आपकी हस्ती मिटा देंगे। और हम आपका ये आपसे वादा करते हैं कि यदि इस भूल में सुधार नहीं किए तो अगले चुनाव में गट्टा पकड़कर आपको सत्ता से नीचे भी उतार देंगे। हो सकता है कि सरकार ने जो भर्ती का विज्ञापन निकाला हो उसमें कोई तकनीकी पेच हो। हालांकि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई सामने नहीं आई, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे कि विभाग के संज्ञान में मामला आ चुका है। इस पूरे मसले को डिपार्टमेंट के लोग बड़ी गहनता के साथ देख रहे हैं। जहां भी जिस भी स्तर पर सुधार की जरूरत होगी, डिपार्टमेंट के लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हमारे विपक्ष के साथियों को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।